दोस्तों अभी तो बहुत तेज वाला तूफान चल रहा है भोपाल में, और बहुत तेज आप देख सकते हैं एकदम। ये देखिए, और लग रहा है कि मैं ना उड़ जाऊं बस। खैर मैं नहीं उड़ूंगी, मेरा ब्लॉग ही कंटिन्यू पूरा नहीं हो पाता। मतलब तो कल तूफान आ गया था, लाइट चली जाती, कहीं कुछ हो जाता कहीं कुछ हो जाता, तो मैं ब्लॉग ही पूरा नहीं कर पा रही अपना। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। तो भोपाल में तो भयंकर वाली गर्मी पड़ रही है फिलहाल इस समय, और मैं कूलर चला के बैठी हुई हूँ। आज गुड फ्राइडे और है यूनिवर्सिटी की छुट्टी, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं आप लोगों से कुछ बात ही कर लूँ, ब्लॉग बना लूँ, जब मन करे फ़ोन। मम्मी बोलती है, नहीं मम्मी नहीं बोलती, ऑलमोस्ट सब बोलते हैं इसका फ़ोन का कैमरा और इसकी जो पक 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 चालू रहता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं, और आज कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, तो ब्लॉग को पूरा देखना है और दोस्तों में शेयर करना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। चलिए चलते हैं। मैं ना कल सोच रही थी, और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरा जो यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है मेरे मामा ने किया है, उन्होंने माय फर्स्ट ब्लॉग डाला था मेरा। मेरे को तो पता ही नहीं था यूट्यूब का वाइब नहीं आता था। तो मैं कल ऐसे सोच रही थी, तो मैं सोच रही थी कि मतलब मैं मामा को मैंने कॉल किया और मैंने बोला मामा, क्या कहते हैं, ब्लॉग के लिए तो अभी कंटेंट नहीं मिल पाता है, क्योंकि घर में तो आप लोगों को पता है मेरा फैमिली मेरे को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता कि मैं उन लोगों के साथ ब्लॉग बनाऊँ। हेलो ये मेरी मम्मी है, हेलो ये मेरा भाई है, हेलो ये मेरी बहन है, हेलो तो ये सब नहीं है। इनफैक्ट बहुत से लोगों को पता भी नहीं कि मेरा यूट्यूब चैनल है, पता भी होगा तो डांटेंगे और डांटते ही हैं, जो कि मेरी मम्मी तो बोलती दिन भर फ़ोन में घुसी रहती है। खैर माँ है, डांटेगी, उनकी बात का बुरा नहीं लगता। हाँ तो मैंने कल मामा को फ़ोन किया एंड मैंने उनको बोला मामा यार ब्लॉग के लिए तो कंटेंट मिल नहीं पा रहा है, तो क्या मैं टेक्निकल डालने लगूँ, क्योंकि मुझे यूट्यूब के बारे में और मतलब रिसर्च करके लोगों तक पहुँचाना, अच्छी अच्छी टेक्निक्स अच्छा लगता है मुझे। कल रात को छत में सो गए थे क्योंकि मच्छर बहुत खा रहा था नीचे और लाइट चला गया था, तो छत में अच्छा नींद आ जाता है क्योंकि खुला है ना हमारा गांव, तो सो गए थे। तो मैंने मामा को बोला कि मामा टेक्निकल डालने लगे क्या ब्लॉग चैनल में, क्योंकि आपको पता है कि ब्लॉग के लिए अभी कंटेंट तो मिल नहीं पा रहा, आप लोग भी देख रहे हैं जैसा कि मेरा यूट्यूब चैनल जिस हिसाब से मुझे मेहनत है। एक्चुअल में क्या कि अभी मैं धूप मेरे लिए सबसे बड़ी दिक्कत है अप्रैल की, डॉक्टर तो स्ट्रिक्टली मना किया है। तो मैं सोच रही थी कि मैं टेक्निकल डालूँ, तो आप लोग मुझे थोड़ा सजेस्ट करिए ना कि क्या मैं इसी चैनल को पीस चैनल तो नहीं, मतलब कभी कभी मैं टेक्निकल वीडियोस लेके आऊँ, या फिर मैं अलग से जो मेरा वो वाला चैनल है उसको ही मैं कंटिन्यू करके उस पर टेक्निकल डालूँ। बट आप मुझे थोड़ा सजेस्ट करिए, मैं चाहती हूँ कि मेरे जो सब्सक्राइबर बोलते हैं कि अगर आप पीच मतलब आपको अगर लगता है कि टेक्निकल डालूँ इसमें तो मैं डालने लगूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं चाहती थी मेरे सब्सक्राइबर मुझे बताएं डालो कि ना डालो। तो आज तो मैं घर में तो काम करने की सारी ड्यूटी मेरी है, जो कि मैंने झाड़ू पोछा बर्तन कर लिया है, और मॉर्निंग तो मम्मी खाना बना के गई थी नाश्ता, तो अभी मैं जा रही हूँ लंच बनाने। पहले नहाएंगे, देखिए हालत कैसी हो रखी, नहाया भी नहीं है मैंने अभी तक तो मुझे नहाना है, तो मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि गर्मी है तो नहाना तो पड़ेगा, ठंडी होती तो नहीं भी नहाती। तो नहाना है, पूजा वगैरह करना है, फिर खाना लंच बनाना है, खाना है और फिर हम बातें करते हैं। तो प्लीज़ आप इस पर थोड़ा सा मुझे सजेस्ट करिए ना कि मैं इसको टेक्निकल कर दूँ, बट क्योंकि मेरा जो चैनल ग्रो हुआ था वो ब्लॉग से हुआ था, तो मैं सोचती हूँ कि मैं ब्लॉग ही डालूँ, फिर लगता रहे यार नहीं टेक्निकल डालूँ, क्योंकि इंसान एक हर एक यूट्यूबर की चाहत हो ना व्यूज़ बनाने के लिए, वो कुछ भी कर सकता है लाइक थंबनेल वगैरह ऐसा, तो मेरा भी ऐसा लग रहा है। बट मैं चाहती हूँ आप लोग मुझे प्लीज़ सजेस्ट करें, क्योंकि इतनी अकल नहीं है अभी कुछ पे, आप लोग मुझे बताएं कमेंट करके कि क्या करना चाहिए। दोस्तों अभी आप बिलीव नहीं करेंगे, वैसे कर भी सकते हैं, लड़कियां कर सकती हैं। मैं हर हफ्ते कुछ ना कुछ ऑर्डर करती रहती हूँ ऑनलाइन, कपड़े वगैरह सब कुछ। तो अभी मैंने एक चश्मा मुझे मतलब पहनना था, अब वो पता है एक तो मेरी एक प्रॉब्लम है, मैंने अगर कोई एक कपड़ा पहन लिया तो उसको मैं दोबारा बहुत कम पहनती हूँ, स्पेशली जब मैं इवेंट्स करती हूँ। तो अभी मैंने देखिए एक चश्मा ऑर्डर किया था, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, बेटा एक मिनट इसको मैं खोल लूँ पहले। ओके ये ऑर्डर किया था तो ये आ गया है फाइनली, और इसको मैं पहन के देखते हैं कि ये कैसा लगता है, और आप लोग कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है, ठीक है। तो इसको हम पहनते हैं, तो फाइनली ये काला चश्मा जचता है गोरे मुखड़े में। तो फाइनली कि मेरा ये चश्मा पहना है, बताइए कमेंट करके कैसा लग रहा है। अभी थोड़ा तैयार व्यार होंगे तब और अच्छा इम्पैक्ट जमेगा, तो अभी इसको मैं पहनूंगी अच्छे से फिलहाल, तो कमेंट करके बताना कैसा लगा। तो अब मैं फाइनली अब मैं नहाने जा रही हूँ।
तो अभी मैं बाहर बैठी हुई हूँ और अभी बहुत तेज़ का तूफान चल रहा है बाहर, क्योंकि अंदर गर्मी बहुत है आज, और मैं बाहर बैठ के वीडियो बना रही हूँ रात को। और अभी आपको दिखाती हूँ, हवा चल रही अभी है। मैं आ गई हूँ छत में सोने, क्योंकि गांव में रात को लाइट चली जाती है और छत में बहुत अच्छी आज हवा चल रही है, ठंडी ठंडी, और बारिश जैसा मौसम हो रहा है, पर अभी तो पानी नहीं गिर रहा है, तो छत में आ गए सोने। हम लोग गर्मी के दिनों अक्सर छत में ही सोते हैं, और ये नीम का पेड़ है जिससे हवा आती है ठंडी ठंडी, तो चलते हैं सोने। ये देखिए नीम का पेड़, आप लोग भी सोते हैं क्या छत में? कमेंट करके ज़रूर बताएं।